Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from MLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning जो हम previous sessions में discuss कर चुके हैं, continue कर रहे हैं with the law of crimes. So principle देखिए 41st का, whoever again theft का आ गया ये principle, whoever intending to take dishonestly any property out of the possession of another person moves that property for such taking is said to commit the theft. सॉरी गाइस, तो यहाँ पे क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कौन कौन से एग्जेंप्शंस हैं. फर्स्ट, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी, बट दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन. ओनरशिप की बात नहीं है, पोजेशन की बात है, किसी और की पर्सन में है, की पोजेशन में है, और उस पर्सन की पोजेशन में से आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो और उस पर्सन की कॉन्सेंट के बगैर ले रहे हो, तो वो थेफ्ट होगा. नाउ देखो फैक्ट्स, देखो इसके. सुरेश अपने फ्रेंड के घर गया, कौन से फ्रेंड के घर, रमेश के घर, कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए. रमेश घर पे नहीं थे तो सुरेश ने उसके लिए वेट किया ड्राइंग रूम में. अब जब रमेश नहीं आए तो सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने उनका पेन ले लिया रमेश के टेबल से और एक मैसेज लिखा और वापस घर चले गए. जब वो वापस जा रहे थे, बाय फोर्स ऑफ हैबिट ही जस्ट ड्रॉप द पेन इनटू द पॉकेट. अब ये देखो किस वजह से उन्होंने पॉकेट में रख लिया, फोर्स ऑफ हैबिट, कि जैसे है कि कुछ लिखा पेन डाल लिया. अब यहाँ पे क्या है, इनकी इंटेंशन नहीं थी सुरेश की कि उसका पेन चुराने की इंटेंशन नहीं थी, सिर्फ बाय फोर्स ऑफ हैबिट. Is it clear? Subsequently, he forgot about it. Since the pen happened to be very valuable one, Ramesh complained to the police and the police traced the pen in Suresh's house. Now, though, whether Suresh has committed the offense of theft or not. देखो अगेन यहाँ पे जो इंटेंशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेक्शन 378 का, वो मिसिंग है. तो सुरेश क्या लाइबल होगा, सुरेश विल नॉट बी लाइबल. सी द ऑप्शन, सुरेश कमिटेड द थेफ्ट बिकॉज ही टुक द पेन विदाउट रमेश कॉन्सेंट. नो डाउट ही टुक द पेन विदाउट रमेश कॉन्सेंट, लेकिन उन्होंने वहीं पे लिखने के लिए उठाया था, बट वो गलती से उन्होंने अपने पॉकेट में डाल लिया. सेकेंड, सुरेश कमिटेड थेफ्ट बिकॉज ही फेल टू रिटर्न द पेन, ऐसा भी नहीं है. थर्ड, सुरेश डिड नॉट कमिट थेफ्ट बिकॉज ही डिड नॉट हैव द डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो सी आपका आंसर आएगा. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 42nd. प्रिंसिपल क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू अ पर्सन फॉर डिफेंडिंग हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो. इज इट क्लियर? सो फैक्ट्स क्या, ए हैपन्स टू सी बी, कि उसका जो ब्रदर है, ए का भाई है बी, वो सी के साथ फाइट कर रहा है और ये ए ने देख लिया. इनफैक्ट उसको ये देखने से ये लग रहा था कि वो दोनों फाइट कर रहे हैं, बी और सी. इनफैक्ट वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग. At a point जब A को ये लगा तो A thought that B was felled by C, कि C ने B को गिरा दिया. So he kicked C to death. A ने C को मार दिया. Is it clear? Now on being charged with murder, A pleads right of private defense. So क्या he will be liable? देखो अब ये mistake of fact आ गया under section 76 of Indian Penal Code. Is it clear? Under section 76 of Indian Penal Code, कि if there is a mistake of fact, a person can take defense under section 76 of the code. तो यहाँ पे A ने intentionally नहीं, उसको देखने से ये लग रहा था कि दोनों fight कर रहे हैं और C ने B को गिरा दिया है, इस वजह से उसने C को kick किया और उसकी death हो गई है. Is it clear? So options देखो यहाँ पे क्या है, कि A is not guilty since it is a genuine mistake of fact. A is guilty of murder. Third, A is guilty under section 304A. Is it clear? तो यहाँ पर क्या है, A guilty नहीं है since it is a genuine mistake of fact. Clear? Next, 43 के principle देखो, it is regarding the mischief. ये भी हमने कल discuss किया था कि mischief है वहाँ पर क्या है, किसको इंजरी है, इट इज़ इंजरी टू दी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन और पब्लिक. तो जिस पर्सन को लॉस हुआ है रॉन्गफुली कॉज्ड बाय मिस्चीफ, नीड नॉट बी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर ही होगा प्रॉपर्टी का.
Is it clear? So Amar has leased his house to Akbar for 5 years. अमर ने अपना घर अकबर को 5 साल के लिए लीज पे दे दिया था। 1 साल बाद अमर ने रिक्वेस्ट किया अकबर को कि वो घर खाली कर दे, पर अकबर ने मना कर दिया। इज इट क्लियर? अमर इन ऑर्डर टू गेट अकबर वेकेट द हाउस कॉजेज फायर टू इट, बट बी विद द हेल्प ऑफ नेबर्स क्विकली एक्सटिंग्विशेस द फायर बिकॉज इट कुड रियली डैमेज द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि अमर ने जब वकेट करने से मना कर दिया, सॉरी अकबर ने वकेट करने से मना कर दिया, तो अमर ने फायर कर दिया, बट बी विद द हेल्प ऑफ नेबर्स क्विकली एक्सटिंग्विशेस द फायर बिकॉज इट कुड रियली डैमेज द प्रॉपर्टी। नाउ वेदर गिल्टी ए इज़ गिल्टी ऑफ मिस्चीफ और नॉट, तो ऑब्वियस अमर इज़ गिल्टी ऑफ मिस्चीफ और नॉट, तो अमर गिल्टी है, चाहे वो ओनर, चाहे अकबर इज़ नॉट द ओनर, बट उसको 5 साल के लिए जब लीज पे दिया है। Is it clear? Then he is, Akbar is, Amar is guilty of mischief. First A, Amar is guilty of mischief. Amar is guilty of mischief and is liable only to the neighbor. Amar is not guilty of causing mischief. Amar is not guilty of mischief as there was no damage. Damage तो हुआ है, तो answer क्या आएगा? A, first आएगा Amar is guilty of mischief. Is it clear? 425 सेक्शन 425 के अंडर ये जो मिस्चीफ दिया हुआ है वहाँ पे अमर पन लाइबल होगा मिस्चीफ के लिए, फॉर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू दी प्रॉपर्टी, चाहे वो खुद की ही प्रॉपर्टी थी। इज इट क्लियर? 44 प्रिंसिपल क्या है? हु एवर बाय वर्ड्स, ये आपका सेडिशन आ गया है सेक्शन 124A, whoever by words, sign or otherwise brings into hatred or contempt or excites disaffection towards the government established by law in India is guilty of sedition and shall be punished with imprisonment for life. तो ये सेडिशन है कि जहाँ पे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ बोल रहे हो, हेट्रेड है कोई, एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। फैक्ट्स देखो, फायर ब्रैंड ऑपोजिशन लीडर उद्धव सेन, ये उन्होंने पब्लिक मीटिंग में इन द मिडल ऑफ द स्पीच इन द पब्लिक मैटर डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर किया? दिस गवर्नमेंट ऑफ चीट्स स्काउंडल्स बूट लेगर्स एंड स्कैमस्टर शुड बी थ्रोन आउट, दे डू नॉट डिजर्व टू रूल, टीच देम लेसन बाय अनसिटिंग देम फ्रॉम पावर। इज इट क्लियर? ऑपोजिशन लीडर उद्धव सेन जबकि पब्लिक मीटिंग में वो स्पीच दे रहे थे, उन्होंने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला, तो क्या ये उद्धव सेन लायबल है या नहीं है? उद्धव सेन यहाँ पे क्या है, देखो 124A में सेडिशन डिफाइन है। नाउ व्हाट इट सेज कि उद्धव सेन गिल्टी है, वो गिल्टी नहीं है, जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, क्यों? व्हाई ही इज़ नॉट गिल्टी? क्योंकि उन्होंने जनरल बोला है, एज सच कोई उन्होंने हेट्रेड नहीं किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो उद्धव सेन इज़ गिल्टी ऑफ सेडिशन फॉर द वर्ड्स यूज बाय हिम? नो, उद्धव सेन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन फॉर द वर्ड्स यूज बाय हिम। उद्धव सेन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन एज वो ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। उद्धव सेन इज़ गिल्टी ऑफ सेडिशन फॉर द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स हैड ऑन द पीपल। सो सेकेंड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है कि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन फॉर द वर्ड्स यूज बाय हिम। 45th का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सेकेंड सूट विल नॉट बी हर्ड ऑन द सेम फैक्ट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। इज इट क्लियर? सेकेंड सूट विल नॉट बी हर्ड ऑन द सेम फैक्ट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। तो अब ये क्या है आपका कि अगर पार्टीज सेम है, सेम फैक्ट्स हैं, तो सेकंड सूट हर्ड किया नहीं जाएगा। ना नक्षत्र ही फाइल्स अ सूट अगेंस्ट चंद्र फॉर गेटिंग द पोजेशन ऑफ अ हाउस ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी पास्ड ऑन कोहर थ्रू हिज विल एग्जीक्यूटेड बाय सूर्या बिफोर हिज डेथ। सूट डिसमिस हो गया एज नक्षत्र फेल्स टू प्रोड्यूस द विल। नाउ नक्षत्र ही फाइल्स अ सूट अनदर सूट अगेंस्ट द चंद्र टू गेट द सेम हाउस फ्रॉम द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट शी वॉज एंटाइटल्ड टू हाउस एज बिंग नियरेस्ट हेयर ऑफ सूर्या। रिपीटिंग इट अगेन कि नक्षत्र है, उन्होंने एक सूट फाइल किया है चंद्र के अगेंस्ट फॉर गेटिंग द पोजेशन ऑफ अ हाउस, और किस ग्राउंड पे कि जो प्रॉपर्टी पास्ड है ऑन हर थ्रू द विल एग्जीक्यूटेड बाय सूर्या बिफोर द हिज डेथ।
सो डिसमिस्ड हो गया एज नक्षत्र फेल्स टू प्रोड्यूस द विल. नाउ नक्षत्र ने दोबारा से सूट फाइल किया अगेंस्ट द चंदर टू गेट द सेम हाउस फ्रॉम द चंदर, किस ग्राउंड पे कि शी वॉज इंटाइटल टू द हाउस एज बींग नियरेस्ट हेयर ऑफ द सूर्य. तो क्या नक्षत्र सक्सीड करेगा? नहीं, क्योंकि पार्टी सेम है, फैक्ट सेम है. इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन, नक्षत्र विल सक्सीड एज शी इज नियरेस्ट हेयर ऑफ द सूर्य, ऐसा नहीं है. सेकेंड ऑप्शन क्या है? नक्षत्र विल नॉट सक्सीड एज द फैक्ट्स इन बोथ द केसेज आर द सेम. थर्ड, नक्षत्र विल सक्सीड एज द फैक्ट्स इन टू केसेज डील विद डिफरेंट सिचुएशन. डिफरेंट सिचुएशन तो है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा. फोर्थ ऑप्शन क्या है? नक्षत्र विल सक्सीड एज द ग्राउंड इन द सेकेंड केस वर नॉट टेकन टू डाई फर्स्ट टू द फर्स्ट वन ओइंग टू मिस्टेक ऑफ अदर एडवोकेट, ऐसा भी नहीं है. तो अब फर्स्ट भी नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, तो ऑप्शन सॉरी फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है और फोर्थ भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड, नक्षत्र विल नॉट सक्सीड ऑन द फैक्ट्स एज इन बोथ केसेज आर द सेम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या आ गया? लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स. कि लॉ अब छोटे छोटे झगड़े नहीं नोटिस में लेते हैं. सीधी फैक्ट्स, केशव प्रपोजेस टू गोविंद. केशव ने, ये सेक्शन आपको 95 मिलेगा आईपीसी का, जहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इफ द हार्म इज सो स्लाइट नो पर्सन ऑफ ऑर्डनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म. नाउ फैक्ट्स क्या है कि केशव है, उन्होंने गोविंद को प्रपोज किया था कि वो दोनों एक साथ मूवी देखने जाएंगे. कौन सी? लगन मूवी देखने जाएंगे. एक पर्टिकुलर डे पे उन्होंने डिसाइड कर लिया और शो कौन सा था? 6 PM का शो था, संगम थिएटर में वो देखने जाएंगे. गोविंद ने भी अग्री किया, ओके डन, कि 6 PM पे हम वो मूवी देखने जाएंगे. एंड उन्होंने, गोविंद ने ये भी एश्योर किया कि वो गेट थिएटर के गेट पे उसी दिन 5 बजे वहाँ पे मिलेंगे. अब ये दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया. केशव 5 बजे पहुँच गया एंड ही वॉज पेशेंटली वेटिंग फॉर दी गोविंद ऑन दी सेट डेट एट दी थिएटर टिल 6 PM. गोविंद वहाँ पे नहीं आए. नाउ केशव अकेले मूवी देखने गए और उन्होंने 2 tickets ऑलरेडी परचेज कर ली थी. केशव ही हैज फाइल्ड अ सूट अगेन गोविंद क्लेमिंग डैमेजेस फॉर दी एगोनी, मूवी टिकट के लिए नहीं, एगोनी मेंटल टॉर्चर सफर्ड बाय हिम एंड फॉर द कॉस्ट ऑफ द मूवी टिकट. तो क्या यहाँ पे अब कोर्ट गोविंद जो केशव है वो सक्सीड होंगे, गोविंद लाइबल होगा या नहीं होगा, क्या ये मैटर? अब आप दो फ्रेंड्स के बीच में अगर मूवी का प्लान बन जाए, नहीं आ पाए दूसरा फ्रेंड, क्या आप केस फाइल करोगे कोर्ट? क्या अगर केस कर भी दोगे कोर्ट, क्या इन मैटर्स को देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. सो सी के ऑप्शन, गोविंद इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इशू इज नॉट ट्राइबल. तो ये तो इशू ऐसा तो नहीं, इशू तो ट्राइबल ही है, बहुत छोटा मैटर है ये, इसीलिए ये तो नहीं होगा. गोविंद इज लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पेइंग फॉर द कॉस्ट ऑफ द मूवी टिकट. नहीं, क्योंकि ये मैटर ही नहीं कोर्ट देखेगा, तो वो मूवी टिकट को कैसे कॉस्ट कैसे मिलेगी. गोविंद इज नॉट लाइबल एज देर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ, गोविंद इज नॉट लाइबल एज द ग्राउंड आर टू ट्राइबल. अब ये देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका, थर्ड भी सही ऑप्शन है, फोर्थ भी सही ऑप्शन है. इसीलिए कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए. बट अगर अब आप अपना प्रिंसिपल देखोगे, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि लॉ डज नॉट लुक इन टू द ट्राइबल मैटर्स नोटिस ऑफ ट्रिपल्स. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन दोनों सही है, बट जो बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट इज आवर फोर्थ ऑप्शन, गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल एज द ग्राउंड्स आर टू ट्राइबल. नेक्स्ट 47 प्रिंसिपल, नोबडी शैल अनलॉफुली इंटरफेयर विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इन कनेक्शन विद the use or enjoyment envisaged herein should be normal and reasonable taking into account surrounding situation. तो ये भी हमने अभी जैसे पिछले सेशन में डिस्कस किया है. नाउ ये कृष्ण और कर्नन दे वर नेबर्स इन द रेजिडेंशियल लोकेलिटी, ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था. चलो रिपीट कर रही हूँ मैं. कर्नन है, उन्होंने टाइपिंग क्लासेस स्टार्ट की थी अपने घर के कुछ अपने घर के पार्ट में, और ये जो टाइपिंग साउंड थी ये कृष्णन को डिस्टर्ब कर रही थी. कुड नॉट पुट अप विद एनी काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस नॉइज, so he filed a suit against the Kannan. So whether Kannan will be liable or not, no he will not be liable, kyunki the typing sounded did not disturb anyone else other than the Krishna.
देखो सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कृष्णन इज लाइबल बिकॉज ही शुड नॉट हैव स्टार्टेड टाइपिंग क्लास इन द हाउस. कनन इज लाइबल बिकॉज एज अ नेबर ही शुड हैव रियलाइज्ड कनन्स डेलिकेट नेचर. थर्ड, कनन इज नॉट लाइबल बिकॉज टाइपिंग शुड नॉट डिस्टर्ब एनी वन एल्स अदर देन द कृष्णन. तो आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन. A person can be arrested without warrant for committing a cognizable offence. जो principle क्या है कि person arrest कर सकते, person को arrest किया सकते हैं without warrant, किसके लिए, cognizable offence commit करने के लिए. Now cognizable offences कौन से offences होते हैं. Cognizable offences वो offences हैं ये जो कि serious offences होते हैं, very serious offences, तो यहाँ पे warrant की भी ज़रूरत नहीं है. तो ये जो cognizable offences हैं आपका code of criminal procedure में define किया गया है, CRPC में. Now see the facts. A requisition is received by the sub inspector of a police station from another police station कि सुमन को arrest कर ले, और किस वजह से, क्योंकि उन्होंने एक non cognizable offence commit किया है. non cognizable जो कि बहुत ज़्यादा serious offences नहीं होते हैं. सुमन को arrest किया गया accordingly in compliance with the requisition. Now advice है, क्या ये arrest valid है या नहीं है. See the options. Arrest invalid as the requisition was treated as a warrant. Second, arrest is not valid as it was done without a warrant. Third, arrest is valid as Suman did not object to it. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, B option आएगा, arrest is not valid as it was done without warrant. Is it clear? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, थेफ्ट प्लस वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस इज इक्वल टू रॉबरी. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे देखो, अब थ्रेट है, थेफ्ट है, थेफ्ट में मैंने आपको बता दिया 5 एसेंशियल्स हैं. अब अगर उस पर वायलेंस हो रहा है या इंस्टेंट थ्रेट ऑफ वायलेंस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रॉबरी. ऐसे ही एक्सटॉर्शन के साथ है, एक्सटॉर्शन के साथ इंस्टेंट हर्ट हो रहा है, इंस्टेंट थ्रेट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, दैट विल बी रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन. नाउ दिस इज रॉबरी बाय थेफ्ट. फैक्ट्स क्या है, ए बी को मीट करता है, ए मीट्स बी एंड हिज चाइल्ड ऑन अ रिवर ब्रिज. ए ने बच्चे को लिया और थ्रेट किया कि टू फ्लिंग इट डाउन टू द रिवर अनलेस बी डिलीवर्स हिज पर्स. इज इट क्लियर. देखो ए बी और उसके बच्चे को रिवर ब्रिज पे मिले हैं. अब ए ने बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और बी को कह रहा है कि अगर आप अपना पर्स मुझे नहीं दोगे तो मैं बच्चे को रिवर में फेंक दूंगा. बी ने क्या किया, डर के मारे अपना पर्स ए को पकड़ा दिया. नाउ वेदर ए इज लाइबल टू बी पनिश फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी और नॉट. इसलिए सो ऑप्शन देखते हैं, ए इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी, ए इज लाइबल फॉर थेफ्ट, ए इज नॉट लाइबल. तो यहाँ पे आपका ए है वो लाइबल होगा 390 ऑफ आईपीसी जो कि रॉबरी है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ए इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी. इज इट क्लियर. नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस. इज इट क्लियर. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक ऑफेंस को कम्प्लीट करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट मेंस रिया, माइंड गिल्टी माइंड, और उस जब आइडिया आपका आ रहा है आपके माइंड में तो ये इनोसेंट स्टेज है. सेकेंड प्रिपरेशन, मोर और ओवर इट इज़ ऑल्सो नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट इन सम केसेज. तो प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही प्रिपरेशन फिनिश हुई है टू कमिट एन ऑफेंस, एनी एक्ट डन टूवर्ड्स कमिटिंग द ऑफेंस विद इंटेंशन टू कमिट एन, वो क्या होगा, थर्ड स्टेज आ जाएगी, अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस विच इज इट बाई इट सेल्फ एन ऑफेंस. इज इट क्लियर. सो फैक्ट्स देखो क्या है, ए को, ए ने बी को मारना है तो उसके लिए वो उन्होंने गन खरीद लिए, कार्ट्रिजेस खरीद लिए हैं मर्डर कमिट करने के लिए. उसके बाद वो बी को ढूंढने निकल गए हैं. जैसे ही उसने बी को देखा उन्होंने अपनी गन लोड कर ली है. देखो जब तक उन्होंने गन लोड की है तब तक वो प्रिपरेशन ही है. एंड नाउ टेक्स एम एट बी एंड पुल्स द ट्रिगर, गन डिड नॉट फायर. अब उन्होंने क्या किया, ट्रिगर पुल कर दिया, तो मींस ही हैज़ डन द अटेम्प्ट, बट वो चाहे सक्सेसफुल नहीं हुए बट उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया है. इज इट क्लियर. तो ही विल बी लाइबल फॉर द अटेम्प्ट टू मर्डर. सो कौन ऑप्शन देखो, ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर फ्रॉम द टाइम ही सेट्स आउट
in search of B. A is guilty of attempt to murder from the time he loads his gun. A is guilty of attempt to murder from the moment he takes aims at B. तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? From the time he sets out in the search of B. Is it clear? So guys, in the next session I'll be taking up continuing with the legal reasoning of criminal law. Thank you.